Hi, I'm Archana Puran Singh and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. बहुत-बहुत धन्यवाद कृपया विराजमान हो जाइए शुक्रिया अर्चना जी बड़ी प्यारी लग रही हैं आप थैंक यू वैसे कहा जाता है और सच भी है कि औरतें शक्ति का प्रतीक हैं जैसे हमारी अर्चना जी शक्ति हैं इनके हस्बैंड सहन शक्ति तो पर आप छाई हुई हैं अर्चना जी वैसे थैंक यू और अर्चना जी नहीं दुनिया भर में औरतें छाई हुई हैं आप कोई भी अखबार का पहला पेज देख लो आप देश की बेटियों ने किया टॉप दूसरा पेज खोलो चार लड़के जुआ खेलते गिरफ्तार ऐसा नहीं कि लड़कियां जुआ नहीं खेलती औरतें आजकल क्या नहीं कर रही हैं आप देखो घर की जिम्मेदारी उठाने से लेके ओलंपिक में 200 किलो तक का वेट उठा रही हैं बहुत बढ़िया यहां तक कि एक मैंने खबर सुनी है कि एक टीवी शो है एक लेडी ने एक मिनिस्टर को उठा दिया उसकी सारी कमाई खा गई जरा सा भी गिल्ट नहीं है हंसी जा रही है हंसी जा रही है लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा औरतें जो होती हैं मल्टीटास्कर होती हैं मल्टीटास्क कर लेती हैं इधर पति को रोटी दे रही हैं उस तरफ फर्श पे बच्चे ने पानी गिरा दिया दो थप्पड़ उसको लगा के पैर से पोछा लगा के साथ में मां के साथ फोन पे बात भी करी मम्मा हां हां मम्मी हां आज वाला एपिसोड देखा हां अरे आज तो उसने खाने में जहर दे दिया अब नहीं बचेगा पति जो खाना खाने बैठा होता ना वो बातें सुन के खाना बीच में छोड़ देता है कहता मैं ऑफिस से समोसे खा के आया था डर जाता हूं मर्दों को कभी बच्चे संभालने पड़ जाएं उसे नहलाना पड़ जाए जान आफत में आ जाती है ना पहले तो बच्चा हाथ में नहीं आता बच्चा और मुर्गा इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है ना हाथ से भाग जाते हैं बाप मुश्किल से पकड़ के लेके जाएगा बच्चा बाद में नहलाता पहले बाप भीगा होता है ऐसे बाहर आता बाथरूम में मां होती पहली बार में ऐसा दबोचती है ना पैरों में फंसा के रगड़ रगड़ के बच्चा भी चुपचाप नहा लेता है क्योंकि उसको पता होता है जो मेरे बाप को दबोच के बैठी है मुझे कहां निकलने आजकल हर जगह औरतें चल रही आप हमारा शो देख लो हमें खुद अपना शो लड़कों को लड़कियां बना के चलाना पड़ रहा है देखिए महिलाओं का जलवा है आप शॉपिंग देख लो अगर औरतें ना हो शॉपिंग हो ही नहीं सकती और अगर हो गई तो मर्दों का जीना हराम हो जाता है कि ये क्या खरीद के लाए तुम आलू ऐसे होते ये कौन सा कुकर ले आए रोज सब्जियां जला रहा है ये फ्राई पैन ऐसा होता है रोज तुम्हारे मुंह जैसे डोसे बन रहे हैं 10 सवाल पूछ लेंगी आपसे और अगर ये खुद करने चले जाएं तो 10 साल दुकानदार से करने लगती है भैया पिंक में की लिपस्टिक है वो पिंक में दिखाया भैया पिंक में कोई रेडिश है बंदा सोचता पिंक में रेडिश कौन सा होता है वो फिर दुकान पे अपनी बीवी को बिठा देता है खुद बेचारा बनियान बेचनी शुरू कर देता है उसको समझ में नहीं आता मार्केट में कुछ भी भाव चल रहा हो जो भाव औरतों के दिमाग में आ गया ना दुकानदार को वहीं पे आना पड़ेगा मजाल है ये भाव ज्यादा दे आए आदमियों की ज्यादातर याददाश्त कमजोर हो जाती है अपनी एनिवर्सरी तक भूल जाते हैं कभी कभी औरतों को ये भी याद रहता है कि पिछली एनिवर्सरी पे तुम पीले सूट वाली को घूर रहे थे और इस एनिवर्सरी पे खुशी नहीं मना रही उस बात को लेके इस एनिवर्सरी पर लड़ रही होती है तो आदमी कहता है बड़ी तेरी याददाश्त है ये पीले सूट वाली बता फिर पीले सूट वाली का नंबर क्या था है तुम्हें पत्नी अगर अपने पति को मटर छीलने के लिए लगा देती ना और उससे ढंग से छील ना पाए तो उस पर भी चढ़ जाती है काहे के सिविल इंजीनियर तुम मटर तुमसे छीले नहीं जा रहे आदमी सोचता है मैं सिविल इंजीनियर हूँ कि मटर इंजीनियर हूँ मैं मटर छीलने के लिए बुला रहा मुझे कभी कभी तो लगता है आदमी सिर्फ पैदा ही सुनने के लिए हुआ है पैदा होता है माँ की सुनता है फिर बीवी की सुनता है फिर थोड़े समय बाद माँ और बीवी दोनों की सुनता है बीवी माइक के चले जाए तो घर पे काम वाली की सुनता है अपना दुख दर्द बुलाने के लिए दोस्त को फोन लगाए वहां पे भी औरत बोल रही होती जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है वो भी समय व्यस्त है हर जगह आदमी सुन रहा है महिला शक्ति का जलवा आपको देखना सोशल मीडिया पे देखो लड़कों की रील बना बना के जान सूख जाती है 11 लाइक्स नहीं आते औरतें साड़ी पहन के आएंगी थोड़े से बाल गिराए झिझिन टटक टिक लाइक्स ऐसे आते हैं जैसे सोशल मीडिया पे लड़कों को गालियां आती हैं जोक सपाट लेकिन महिलाएं हर फील्ड में आगे हैं वो घर का बजट ही नहीं बल्कि देश का बजट भी संभाल रही हैं डॉक्टर और नर्स बनकर लोगों की जिंदगी तो बचा ही रही हैं सेना में भर्ती होकर देश की सुरक्षा के लिए लड़ भी रही हैं हमारे देश की महिलाओं को सैल्यूट करता हूं मैं
और आज भी यहाँ दो ऐसी पावरफुल विमेन आ रही हैं जिन्होंने फिल्म के पर्दे पे तो लोगों का मनोरंजन किया ही, साथ ही कैंसर जैसी बीमारी को हरा के इन्होंने साबित कर दिया कि अगर आपका जज्बा मुस्कुराने का हो तो कोई भी बीमारी जो है वो आपकी मुस्कुराहट नहीं छीन सकती। जोरदार तालियां मनीषा कोइराला जी के लिए। मनीषा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। बड़ी प्यारी खूबसूरत लग रही है, इतना सुंदर सूट पहना है, इतने प्यारे बाल, इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट, इतने खूबसूरत आपके झुमके, उफ मजा आ गया देख के। मनीषा जी हमारे शो पे 2017 में आई थी, उसके बाद सीधा 5 साल बाद आ रही हैं, तो ये इत्तफाक है या आप पॉलिटिकल फैमिली से हैं इसलिए 5 साल का गैप रखती हैं? मनीषा जी इकलौती ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने प्यार करने वालों का समय बचाया है, नहीं तो आदमी बड़ा कंफ्यूज रहता है, मैं तुमसे बात करनी चाहता हूँ, कैसे कहूँ, क्या बताऊँ तुम्हें, मैं तुम्हें ये वो, इन्होंने सीधा बताया कि इल्लू 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 का मतलब आई लव यू। वैसे मनीषा जी उस समय मोबाइल वाइल होते नहीं थे जब सौदागर आई थी, तो लोग जब आपको मैसेज भेजते थे कैसे भेजते, चिट्ठियाँ लिखते थे आपको? हाँ जी। आप पढ़ती थी सारी चिट्ठियाँ? नहीं कुछ पढ़ती कुछ थी, ऐसी कुछ... अतरंगी चिट्ठी याद है जो आपको आई हो आपको? हाँ, किसी चाहने वाले काफी आती थी, कुछ डरावनी भी आती थी, जैसे कि ब्लड से लिखी हुई आती थी, तो मुझे मालूम नहीं था ये रियल है कि हॉस्पिटल में जो ब्लड का जार होता है उससे मटन शॉप से भी मिल जाता है। मटन शॉप से भी हो सकता है। नहीं आपके केस में तो मुझे लगता है सच में लोगों ने खून से ही लिखी होंगी, प्यार इतना करते हैं लोग। वाओ महिमा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आप क्या गाते हैं? मैं क्या आपकी फिल्में देख देख के आपके गाने हमारे रग रग में बसे हुए हैं। थैंक यू। बहुत सुंदर गाया आप। शुक्रिया महिमा जी। तो मैं फिर हाँ समझू, आई मीन मतलब मैं और भी गाना गाना चाहूंगा आपके लिए इन फ्यूचर। yes. बड़ी प्यारी लग रही है आप महिमा। थैंक यू। आज सोशल मीडिया में नकली आईडी बनाई होती है लोगों ने एंजल प्रिया, अगर सच में कहीं एंजल प्रिया होती तो ऐसी होती है। महिमा जी आपको पता है जब ये आपका गाना आया था ना कि जरा तस्वीर से निकल के तू सामने आया। हाँ। लोगों ने आपके पोस्टर लेके अपने घरों में लगा दिए इस उम्मीद में कि एक दिन शायद आप बाहर आ जाएंगी। तो आज आप सच्ची में सामने आई गई हैं। yes. तो कैसा लग रहा है मुझे लाइव देखकर? मेरी जो हेल्थ है उसका राज आप हैं। क्योंकि जब मेरी हाल ही में तबीयत खराब हुई थी तो मैंने ह्यूमर का इस्तेमाल किया, मतलब मैं आई वॉन्टेड टू सी ओनली कॉमेडी एंड मैं आपका शो लगा देती थी और कब मैं सोती थी कब मैं जागती थी आई डोंट नो बट इट हेल्प्ड मी रिकवर। थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू। आप हमें घर पे बुला लेते हम वहाँ पे आके शो कर देते आपके लिए। तो अच्छा परदेश फिल्म से महिमा जी का डेब्यू हुआ था, शाहरुख खान साहब उसमें अपने दोस्त की शादी करवाने इंडिया आते हैं और बाद में गिटार बजा के खुद की सेटिंग कर लेते हैं इनसे। उस चक्कर में अपना दिनेश ने गिटार बजाना सीखा, ये जो गिटार लेके बैठा ना लाल रंग की। हाँ एक लड़की इससे इम्प्रेस भी हो गई, उसने शादी भी कर ली। ओहो, एक बच्चा होने के बाद उसको रियलाइज हुआ मुझे तो परदेश का गाना अच्छा लगता था, इसकी शक्ल तो मैंने अब देखी है। पर आपको सच्ची बताऊं मनीषा जी महिमा जी आपकी फिल्में ना हम कॉलेज में पढ़ते थे तो इतना बजट होता नहीं था तो फ्रंट सीट पे बैठ के देखते, फ्रंट रो पे टिकट सस्ती मिल जाती थी, तो जो जो फिल्म में हुआ आप ये समझे हमारे मुंह पे ही हुआ है सारा कुछ। हाँ मतलब मैंने देखा है शाहरुख खान महिमा को ऐसे कर रहे थे तो उनका एक हाथ तो मेरे कंधे के ऊपर से जा रहा था, इतनी पास बैठे थे हम लोग। 1942 है लव स्टोरी में जब अनिल कपूर साहब मनीषा जी को झूला झुला रहे थे ना तो जो आगे लोग बैठे थे ना जैसे ही आगे आती तो ऐसे कर लेते थे कि ये कूदेगी और हम पकड़ेंगे। मतलब इतना करीब से हमने आपको देखा है, हमें विश्वास नहीं हो रहा आप हमारे शो पे आएंगे। जोरदार तालियां हो जाएगा। आइए मैम बहुत बहुत स्वागत है। मनीषा जी और महिमा जी दोनों ने जब डेब्यू किया सुभाष गई साहब के साथ डेब्यू किया। अच्छा सुभाष गई साहब जिनको भी लॉन्च किया अपनी फिल्मों में एम नाम से ज्यादातर सब हीरोइंस रही हैं, चाहे माधुरी दीक्षित, मीनाक्षी चौधरी, मनीषा जी, महिमा जी। तो मैम जब आप मिले उनको तो उन्होंने ऑडिशन लिया कि आपने खाली बताया कि मेरा नाम एम से है तो उन्होंने कहा ठीक है फिर एम से है तो ले लो इनको। नहीं नहीं मैंने ऑडिशन किया था, मेरा नाम एम से नहीं था, मेरा नाम आर से था, रितु चौधरी रितु था, सब तो पता है हमें आपके बारे में। मैंने ऑडिशन दिया था। अच्छा और फिर उन्होंने पूछा कि मैं कल तुम्हारा नाम प्रेस में अनाउंस कर रहा हूँ तो स्पेलिंग ठीक है? तो मैंने कहा हाँ, नाम चेंज वेंज तो नहीं करना ना। तो उस टाइम पे हम लोगों ने
मैरिलिन मनरो और दिलीप साहब के बारे में सुना था कि उनकी स्क्रीन नेम होती थी, तो मैंने कहा चेंज करते हैं. तो ही सेज नहीं, ज्यादातर लोग तो तुम्हें पहचानते हैं बिकॉज मैं ऑलरेडी टेलीविजन पे थी वीजे. अच्छा जी. सो ही आई सेड नो नो आई वांट टू चेंज. तो मैंने उनको कई सारे नाम दिखाए तो उन्होंने कहा इसमें एम नहीं है. कोई बात नहीं, एम मेरे लिए लकी है. मुक्ताज अच्छा चल रहा है, मेरी सारी हीरोइंस एम अच्छी चली. तो मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट टेकिंग अ चांस, मैं एम से ही नाम ढूंढती हूँ. तो हमने महिमा रखा. अच्छा, लोगों का एम से कर देते, अपना सुभाष से मुभाष का ही कभी नहीं करते. मनीषा मैम, आपकी शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे फिल्म में? वैसे ही, जैसे स्क्रीन टेस्ट लिया. और मुझे याद है एक चीज सुभाष जी ने बहुत खूबसूरत चीज बताई थी उस वक्त. अच्छा, कि मनीषा अगर मैं तुमको नहीं लेता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम में कुछ कमजोरी है या तुम आगे जाके दूसरी फिल्म में नहीं कर पाओगी. ये सोचना कि मेरे किरदार में तुम नहीं फिट होती हो. सो आई फाउंड दैट वेरी इनकरेजिंग. लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उन्होंने लिया हमको और आई एम हियर. सो मनीषा जी की अभी हाल ही में शहजादा फिल्म रिलीज हुई है, उसमें ये कार्तिक आर्यन की मम्मी का रोल कर रही है. आपको पता है रोनित रॉय जो आपके हस्बैंड बने हैं वो कार्तिक से भी ज्यादा खुश घूम रहे थे. उनको फिल्म की रिलीज की खुशी कम, कहते मैं मनीषा का पति बना हुआ. और वो यहाँ पे हमारे शो पे बोल के गए, कहते मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं सुनी, मुझे जब बताया गया कि मनीषा कोइराला मेरी वाइफ बन रही है तो उन्होंने फिल्म को हाँ कर दी. ये आप ही, आपने कुछ कहा होगा. मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली अर्चना मैम गवाए, उन्होंने बोला ऐसे. यस रियली, हाँ ऐसा बोल के गए. देखो रियली स्वीट ऑफ हिम. महिमा जी, काफी समय बाद इन्होंने फिल्म में वापसी की है, इनकी आने वाली फिल्म है इमरजेंसी. Yes. मैम, तो इमरजेंसी फिल्म जब आपने साइन की तो आपके घर वालों ने कहा नहीं कि मतलब इतनी क्या इमरजेंसी इमरजेंसी फिल्म? आई मीन उसमें किस तरीके का किरदार देखने को मिलेगा हमें आपका? सबसे पहले तो मैंने अनुपम जी के साथ सिग्नेचर की. अच्छा जी. और जब अनुपम इमरजेंसी की शूटिंग पे पहुंचे कंगना के साथ, कंगना खुद डायरेक्ट कर रही हैं और इंदिरा गांधी का भी रोल कर रही हैं, तो ही सेड कि मैं वहाँ से आ रहा हूँ. तो शी सेज ओ हम एक फीमेल की तलाश में हैं, हु शुड प्ले पीपल जयकर, आई वांट टू कॉल हर. तो ऐसे हुआ. सो हाँ, मजा आया. मेन रोल तो दिया नहीं क्योंकि उन्होंने कहा पिक्चर तो मैं बना रही हूँ. बस आप जिस भी रोल में आए हमें इंतजार है आपका. मैं मनीषा से सबसे पहले आफ्टर परदेस सुभाष जी ने मिलवाया था एंड आई रिमेम्बर मैं मनीषा कोइराला को देखती ही रही. मतलब शी वाज सो ब्यूटीफुल. मतलब वो स्क्रीन पे भी कभी भी इतनी खूबसूरत नहीं लगी जितनी वो रियल लाइफ में थी. सो स्वीट ऑफ यू. थैंक यू. नो ऑनेस्टली इवन नाउ इट डजंट ट्रांसलेट. यू नो सम पीपल लुक मच बेटर ऑन स्क्रीन, सम पीपल आर जस्ट सो लाइक शी एंड द सेकंड पर्सन इज डिंपल कपाड़िया. वाओ. ओह या. आई मीन ऑफ स्क्रीन अनदर पर्सनालिटी ओनली. वाओ. आप सबने मनीषा जी की फिल्म 1942 लव स्टोरी को इतना प्यार दिया, आप सबको पता है उसके गाने इतने अच्छे थे. लेकिन मैं एक अंदर की बात बताना चाहता हूँ कि जावेद साहब ने जब इनके लिए गाना लिखा था ना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा था. बाद में विधु विनोद चोपड़ा साहब ने मनीषा कोइराला की फोटो दिखाई, उसके बाद वो रुके ही नहीं. जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे बल खाए बेल, जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा. सीरियसली उसके बाद उन्होंने 350 पेज लिख दिए, शबाना जी ने पेन पकड़ के तोड़ा उनका कि क्या हो गया तुम्हें. फिर जब ये गाना सुन के आप खुश हुई तो जावेद साहब ने आपको बोला नहीं कि अनिल कपूर तो सिर्फ मुंह ही हिला रहे थे, गाना तो मैंने लिखा है, कभी हमारे घर पे भी चाय पे आइए. कपिल, आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू. आई थिंक ही इज अ ग्रेट पोएट एंड ही आई एम श्योर ही मस्ट बी हैविंग इंस्पिरेशन बाय शबाना जी. पर उन्होंने आज तक किसी के लिए इतना मतलब इतनी तारीफ उनके किसी गाने में नहीं हुई जितनी आपकी उन्होंने की है. तो जो वो बातें कह रही हैं बिल्कुल सही हैं. जावेद साहब पर वो पेन बड़ा मिस करते हैं जो शबाना ने तोड़ दिया. आपके बारे में हम सुना है कि आप संजय दत्त साहब की बड़ी फैन रही हैं, उनकी फोटो भी लगाई हुई थी आपने अपने घर में. तो जब आपने उनके साथ पहली फिल्म की आपने उनको बताया कि मेरे पास आपकी फोटो है? मैंने एक्चुअली संजू को बताया कि संजू आई वॉज योर बिग टाइम फैन एंड आई यूज टू हैव योर फोटोग्राफ्स ऑन माई कबर्ड इन साइड वॉल. क्योंकि उस वक्त मेरे कमरे में मैं फिल्म के लोगों की फोटो रखूँ तो मुझे डांट पड़ती थी. अच्छा जी. इसे वाई डोंट यू कीप नाउ? आई से नाउ 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 यू आर माई कोलीग, नाउ आई वर्क विद यू. अच्छा, पहली बार संजय दत्त साहब फिर आपकी कबर्ड के अंदर रहे? हम भी बड़े फैन हैं संजय दत्त साहब के. महिमा जी, आप इंडस्ट्री में आने से पहले किनको एडमायर करती रही हैं आप? शाहरुख खान,
सलमान खान, संजय दत्त, सनी देओल, और आमिर खान. और आमिर खान के साथ मैंने सबसे पहला कमर्शियल शूट किया, तो ज्यादा डायलॉग्स नहीं थे बट फिर भी मेरे हाथ हिल रहे थे. बहुत अननर्विंग होता है. अब तो खैर आप लोग एक्टर्स को ज्यादा देख लेते हो इंस्टाग्राम पे, यू नो, फ्लाइट पकड़ते हुए, सैलून से निकलते हुए, बहुत सारा एक्सपोजर है. सो ऐसा लगता है कि इनको तो हम रोज मिलते हैं. बट हमारे टाइम पे जैसे उन्होंने कहा कि सिर्फ पोस्टर्स और कभी कभी प्रीमियर पे देखना, यू नो, सो जब हम मिलते थे वी डिडंट नो कि क्या कहना है, क्या बोलना है, एंड वी वर वेरी ओवरवेल्म्ड. Nowadays people are very confident. Actually, पता है जब दिवाली के दिन शुरू होते थे ना, तो ऐसे छोटे शहरों में ना वो चार पाइप पे पटाखे बेचने लगते हैं, फुल जड़िया ये वो. आपकी फोटो लगी रहती थी मनीषा जी पर. आपको वो कौन सा बता के एंडोर्स करवाते थे, वो तो छाप देते थे आपकी फोटो. और कोई साथ में वैसे पटाखे लगा रहा है, साथ में उबले अंडे भी बेच रहे हैं, और इधर पोस्टर पड़े होते थे. मल्टीटास्कर होते थे वो भी. बड़ा मजा आता था. वो पोस्टर का दौर अब रहा भी नहीं है. और वाओ, क्या स्टारडम रही है हमेशा से. बुढ़िया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. बुढ़िया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. बुढ़िया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. इतना आगे बढ़ना है भाई? क्या आगे बढ़ बढ़ के क्या केबीसी में चले जाएं, शार्क टैंक में चले जाएं? जितना जगह होगा उतना ही आगे बढ़ेंगे ना. हम तुम्हारे साथ हैं. जितना साथ मांगा है उतना दो, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए. ठीक है, रुको जरा. मनीषा जी, महिमा जी, कैसी हैं? बहुत अच्छी. वैसे आप लोग को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन आज हम थोड़ा सा वो वाला मूड में है. क्या है कि महिलाओं के हक के लिए आज हम लड़ रहे हैं. ओह, वेरी गुड. तो महिलाओं के हक के लिए लड़ रही, तो पीछे तो सारे मुस्टंडे लेके आई हो. हम एक्चुअली महिलाओं को ही लाने वाले थे, लेकिन महिला जो है हमसे कहती है कि दो मिनट रुको, तैयार होके आती हूँ. अब आप बताइए कौन सी महिला दो मिनट में तैयार होती है. इन लोग को क्या है, ये मर्द लोग को इनको लाना आसान है. थोड़ा सा ऐसा ऐसा करो. खूबसूरत लड़की को देख के ये पीछे दौड़ते हुए चले आते हैं. खूबसूरत लड़की. अरे क्या झूठ बोल रही है. खूबसूरती पे नहीं, 200 रुपए लिए हैं आने के लिए. तो 200 रुपए दिए भी हम ही है ना, तो मान लो ना कि हम खूबसूरत हैं. दीदी हम पे चोरी का इल्जाम लगा दो, हम मान लेंगे, लेकिन तुमको खूबसूरत ये नहीं मानेंगे. दीदी इधर देखो, खूबसूरत लड़कियां ऐसे होती हैं. ठीक है महिमा जी? यस yes. हम आपसे बहुत प्यार करते हैं. हमने तो अपने मम्मी पापा को ही मना लिया आपके लिए. अच्छा, कितना अच्छा बात है. इसीलिए आज यहाँ पर आए कि रिश्ते का बात आज पक्का करके ही जाएंगे. सटिया गए हो क्या? महिमा चौधरी है वो. और एक बार सोच लो, कहें के रुमाली रोटी के चक्कर में ये तंदूरी रोटी भी तुम्हारे हाथ से ना निकल जाए. दीदी अपने आप को कम मत समझो, तुम तंदूरी रोटी नहीं, पूरा तंदूर लगती हो. एक बात बताओ, तुम्हारा जो घर है जहाँ पे तुम रहते हो, उसके आसपास कोई अच्छा सा अस्पताल है? हाँ है. हाँ तो पूरे परिवार को कह दो कि केला और संतरा लेके वहीं पे पहुँच जाएं. क्योंकि आज हम धरने पे बैठे या ना बैठे, लेकिन तुम्हारे ऊपर जरूर बैठे. इधर आओ तुम. हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं. हम है लुड़िया गौंडरी वाले. नहीं नहीं, हम है बुढ़िया बाउंड्री. गुड़िया लॉन्ड्री. हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली. नहीं वो तो हम है, आप थोड़ी हैं. मैं तुम्हारा ठीक करवा रहा हूँ. नहीं तो आप तो कप्पू सर. नहीं अपना आइडेंटिटी हमारे लिए चेंज मत कीजिए. उसको वैसा ही रखिए. हम इंट्रोड्यूस करते हैं. हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं. महिमा जी आप जैसे अपना करियर का शुरुआत परदेश से किए थे ना, हम भी अपना करियर का शुरुआत परदेश से किए थे. चल झूठी, तू कहाँ थी परदेश में? नहीं फिल्म का बात नहीं कर रहा है. हाँ? परदेश से किए. पर्दा पर्दा नहीं होता उसको. पहले हम पर्दा धोए, उसके बाद कुर्ता धोए, फिर पजामा धोए, फिर शर्ट बुशर्ट सब धोए, उसके बाद तो फिर जो सामने आया उसको धो दिए. झूठ बोल रही है तू. मुंह कहाँ धोती है? शर्मा जी अगर हम मुंह धो के थोड़ा सा ऐसा तैयार वैयार होके आए
तो आप कैंडी लाइट डिनर के लिए हमें मालदीव्स ले जाएंगे? तो जब हमारे मुंह धोने ना धोने से फर्क नहीं पड़ रहा है तो हमारी बातों के बीच में हाथ धो के क्यों पड़ जाते हैं? माफ कर दो हमें। वैसे आपको बता दें, हम ना मनीषा जी सच बताएं, हम कपड़ा धोते हैं लेकिन आपके फिल्म के हिसाब से कपड़ा धोते हैं। कैसे मतलब? दिल से रे, दिल से। मतलब दिल से बता रहे हैं, दिल से कपड़ा धोते हैं। वो हाई पिच का सिंगिंग हमसे हुआ नहीं लेकिन हम दिल से कपड़ा धोते हैं। लो पिच में गा के दिखा दे, हाई पिच का नहीं हुआ तुझसे। दिल से रे, सो स्वीट। यहाँ तक लाइफ मैनेजेबल है, उसके ऊपर नहीं होता। लेकिन महिमा जी आपको सच बताएं, आपका एक फिल्म था वो अगर पहले हमारे पास आया होता ना तो वो फिल्म का नाम बदल जाता। दाग, क्योंकि दाग हम छोड़ते नहीं, हम मिटा देते हैं। फिर आपका फिल्म दाग द फायर नहीं होता, बेदाग द नो फायर हो जाता। मैम इस पर गुस्सा मत करिएगा, ये पहले जनरेटर थी तो पहले हम डीजल डलवाते थे इसमें, फिर किसी ने जान डलवा दी तो बोलने लग गई है। इतना हंस हंस के डराती है। एक बात आपको बताना ही भूल गए, परसों को हम लाइब्रेरी में गए थे, वहां पे दीवार पे ना एक अच्छा सा मैसेज लिखा था आपके लिए। क्या? बी साइलेंट। थोड़ा ये थोड़ा मेहमानों से बात कर लेते हैं। वैसे मनीषा जी, हम यहाँ पर औरतों का, लेडीज का, महिलाओं का मुद्दा उठाने आए हैं। वेरी गुड। बहुत गलत हो रहा है। हम सबसे पहले तो चाहते हैं ये जो बस होती है ना, बस उसमें जितना सीट होता है सारा का सारा औरतों के लिए रिजर्व कीजिए। तो आदमी लोग कहाँ बैठेंगे? वो दूसरा बस में बैठेंगे। नहीं सच में हमारे साथ हुआ था अभी एक बार, अर्चना जी बता रहे हैं आप। क्या हुआ था? हम ना बस में बैठे हुए थे बड़े आराम से, बगल का सीट जो था हमारा खाली था। अब एक हैंडसम सा लड़का आया। हैंडसम मतलब अपना मतलब हैंडसम सा लड़का आया। कहा उसने कुछ तुझे? यही तो प्रॉब्लम है, कुछ नहीं कहा। अब जब कुछ कहना ही ना आए तो दूसरा बस में जाके बैठो। ये क्या तरीका हुआ? हम पता है अपना बस स्टॉप छोड़ के 10 बस स्टॉप आगे जाके उतरे इस इंतजार में कि ये कुछ कहेगा, कुछ कहेगा, कुछ कहेगा, कुछ नहीं कह रहा है हमसे। इससे अच्छा कोई महिला आके बैठ जाती। कोई महिला बैठती, हम थोड़ा गॉसिपिंग कर लेते। नहीं, मौका नहीं मिला हमको। एक और मुद्दा है हमारा, एक और मांग है हमारी। क्या क्या है ये वाली मांग है हमारी? भरवा दो। आज तक तो पेट भरने की बात ही करती थी, आज मांग भरने की बात पे आ गई। तो शादी नहीं हो रहा है हमारा, लड़का नहीं मिल रहा है करेक्ट टाइप का हमको। करेक्ट टाइप का? सच में बता रहा हूँ, बहुत अकेले पड़ गए हैं, इतना अकेले पड़ गए हैं, रोज रात को कार्तिक आर्यन से सोशल मीडिया पे चैट करके सो जाते हैं। तो अच्छा तो चल रहा है तेरा? नहीं नहीं, ये जानते हुए कि वो फेक आईडी है। हमारे मोहल्ले के वो बुड़ऊ गुप्ता जी नहीं है, वो उनका आईडी है कार्तिक आर्यन, 213 फॉलोअर का। ऐसा कोई कार्तिक आर्यन होता है? वो खुश है कि लड़की से बात हो रहा है, हम खुश हैं कि कार्तिक आर्यन से बात हो रहा है। चल रहा है जीवन, ये कोई लाइफ है हमारा? सच बता रहा है। नहीं ऐसा नहीं है कि लाइफ में लड़का था नहीं, एक लड़का आया था हमारे लाइफ में लेकिन बहुत भोला था वो, बहुत भोला। भोला ही होगा जो तुझसे प्यार करके। क्या हुआ? हुआ क्या कि एक बार उसका गाड़ी हम चला रहे थे, बगल में बैठा था वो। अब गाड़ी चलाते चलाते एकदम हम घने जंगल में पहुंच गए, टोटल अंधेरा, घना जंगल। हम बोले मौके का फायदा उठाते हैं। हमने गाड़ी को ऐसे बंद कर दिया और कह दिया, अरे अरे पेट्रोल खत्म हो गया है, अब तो यहीं रहना पड़ेगा, अब हम पूरा रात तुम और हम इस घने जंगल में क्या करेंगे? तो हमसे कहता है, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं धक्का लगाता हूं, तुम स्टीयरिंग व्हील पकड़ो। एक बार हमने उसको फोन करके कहा, हम घर में अकेले हैं, कोई नहीं है, तो कहता है कि अरे मेरे चाचा सिक्योरिटी में है, एक सिक्योरिटी वाला भेजता हूं बाहर खड़ा। ना तो वो खुद हमारे घर में आया,
और किसी दूसरे के आने का स्कोप भी खत्म कर दिया उसने। ऐसा लड़का है इतना ज्यादा, हम तो इतने ज्यादा अकेले हो गए, रोज रात को पता हम हॉरर फिल्म देखते हैं ताकि पूरी रात लगा रहे कि घर में कोई है साथ में। प्लीज हमारी मदद कीजिए। बुढ़िया, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, हमारा थोड़ी बातचीत चल रही है, आप प्लीज जाओ। महिमा जी, हाँ। आप तो इतना अच्छा बिल्डिंग में रहती हैं, कोई लड़का होगा आपकी बिल्डिंग का? है, मेरे बिल्डिंग में कीकू शारदा रहते हैं। अच्छा, मैरिड है? मेरे नेबर हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा लड़का है। हाँ, बहुत शादीशुदा है, लेकिन चल जाएगा, चल जाएगा। बहुत पैसे कमाते हैं। अच्छा, शर्मा जी सुना आपने? चलिए, इंतजार कर रहे हैं, मिलते हैं आपसे। हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। अच्छा, ये हमारे जो पांडे हैं ना, ड्रम पे बैठे हुए हैं। हाँ जी। जब आपकी फिल्म आई 1942 लव स्टोरी, तो ये इसके और इसके पिताजी के बीच में संबंध ठीक नहीं थे। तो इसने आपका पोस्टर लगाया अपने कमरे में। तो इसके पिताजी इसके कमरे में ज्यादा आने लग गए। तो इस चक्कर में इनका रिलेशन अब ठीक है ना पिताजी? कुछ भी। हाँ, ये कुछ भी बोलता है ऐसे ही। कुछ बोलता तो हूँ, बैठे बैठे तो नहीं लेके जा रहा घर पे चेक। अच्छा, वैसे हम लोग अपने शो पे बड़ा लाइट माहौल रखते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लेकिन आज कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको सुन के लोग डर जाते हैं। और आज हमारे सामने एक मिसाल है, मनीषा मैम और महिमा जी, जिन्होंने इस बीमारी से लड़के उसके ऊपर विजय प्राप्त की। मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब मेरे पिताजी को कैंसर हुआ, उन्हीं दिनों मेरे एक फ्रेंड थे कॉलेज के, उनके पिताजी को भी कैंसर डिटेक्ट हुआ और ऑलमोस्ट दोनों सेम स्टेज में थे, जैसे डॉक्टर ने हमें बोला थर्ड स्टेज में है। तो मेरे पिताजी बड़ा खुश रहते थे, ऑब्वियसली उनका सब कीमो वीमो चल रही थी, और लेकिन बड़ा खुश रहते थे, नॉर्मल रूटीन भी जितना हो सकता था करते थे। उन्होंने 8 साल उस बीमारी से लड़े, वो अब नहीं रहे हमारे बीच, अलग बात है, लेकिन मेरे दोस्त के पिताजी शायद 1 साल में चल बसे। उस समय शायद इतना वो मेडिकल साइंस में भी इतनी सारी क्योर करने वाली शायद मेडिसिंस नहीं थी। मैम, आपके साथ जब ये हुआ, जब आपको पता चला, हाँ। उस समय आपकी मनोस्थिति क्या थी, कैसे कैसे डील किया आपने? मेरे सामने इतने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स थे जिन्होंने कैंसर को फेस किया, और वो थी मनीषा, सोनाली, और जब मुझे डिटेक्ट हुआ उन्हीं दिनों संजय दत्त भी लड़ रहे थे, एंड मैं देखती थी कि वो इवेंट्स कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, उन्होंने पिक्चर भी बना ली, हिट भी हो गई, यू नो। तो मैं, जैसे आपने कहा आपके पिताजी खुश रहते थे, मैंने भी जितना ह्यूमर डाल सकती थी अपनी लाइफ में, जितना उसको कैजुअली ले सकती थी, तो मैंने यही सोचा कि डर तो हमें हर चीज़ से लगना चाहिए, बट इफ़ द डॉक्टर्स सेइंग कि टुडे वी हैव सच गुड मेडिकल केयर, गिव इट योर बेस्ट शॉट, तो आई गेव इट माई बेस्ट शॉट। उन दिनों शायद आपको कोई फिल्म भी ऑफर हो रही थी, हाँ, और आपने शायद किसी को बताया भी नहीं था। एक्चुअली मैं, जब कीमो होता है ना, उसके 3-4 दिन बाद आपकी बॉडी के सारे सेल्स मर जाते हैं जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स हैं, तो 5 दिन आप उठ नहीं पाते, मैं तो नहीं उठ पाती थी, एंड उसके बाद आपको लगता है 5 दिन बाद जब आप उठते हो, कुछ हुआ भी था या नहीं, मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज, बॉडी इतनी जल्दी रिकवर करती है। तो मुझे लगता था कि चलो काम पे चलो, तो ऑब्वियसली बाल तो नहीं थे, तो विग लगा के, कैप लगा के मैं एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स ले रही हूँ, तो अनुपम जी मिले, अनुपम खैर, और हमने बातें बातें की, और उसके 4-5 दिन बाद फिर मेरा कीमो चल रहा था, उन्होंने फ़ोन किया, महिमा पिक्चर करनी है, तो मैंने कहा हाँ थोड़े महीनों बाद, क्यों 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 अभी क्यों नहीं, तो ऐसे नहीं क्या हुआ, तो मेरे पास ना नर्सेस खड़ी हुई थी, तो मैं झूठ नहीं बोल पाई, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे कीमो चल रहा है और मेरे तो बाल भी नहीं है, तो क्या हुआ बाल नहीं है, तो मैंने 500 फिल्म कर ली बिना बाल के, तुम एक फिल्म नहीं कर सकती। तो फिर मैंने हिम्मत करके कहा कि ओके, तो मैंने वो भी और कंगना रनौत की इमरजेंसी भी ट्रीटमेंट के दौरान ही की। सो प्राउड ऑफ यू मैम। तो जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप मुस्कुराना चाहते हैं, दुनिया कोई ऐसी ताकत ही नहीं है जो आपकी मुस्कुराहट छीन ले, इसकी मिसाल हमारे सामने है। मैम, जब आपको पहली बार पता चला, तो फिर आपने अपनी फैमिली के साथ ऑब्वियसली डिस्कस किया होगा, सबके साथ, उस समय क्या मनोदशा थी, आप इतनी बड़ी स्टार हैं? बहुत ही तकलीफ हुई थी,
कपिल और हम लोग शॉक्ड हो गए थे. मैं, मेरी फैमिली, सब लोग. और बहुत समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें. मैं नेपाल में थी, काठमांडू में थे, वहाँ से मैं मुंबई आई, मुंबई के बाद मैं न्यूयॉर्क में गई. तो कैसे टाइम बिता, क्या हुआ, कुछ समझ में आया. एक महीना जब निकल गया, जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ, तब मुझे लगा ओ अब 6 महीने का मेरा ट्रीटमेंट है. तो हर एक पल एक डरावना पल रहता है. आप एक माइलस्टोन क्रॉस करने के बाद थोड़ा सांस लेते हैं, फिर कुछ कदम के बाद कुछ और होता है, फिर सांस लेते हैं कुछ. तो बहुत डर डर के. और इस दौरान मैंने, जैसे ये कह रही थी कि फियर के साथ, भय के साथ, डर के साथ हमने दोस्ती कर ली. क्या है कि अब ये फियर तो रहेगा, रिलैप्स का भी फियर रहता है. Yes. बहुत सारे होते. तो मुझे लगा कि अब इसके साथ मुझे दोस्ती करके ज़िंदगी बितानी है. और ऐसे ही है. एंड आई थिंक बाय द टाइम अभी तो 10 साल निकल गए कैंसर. God bless. भगवान का शुक्र है कि सब अच्छा ही होगा आगे. इतने सारे लोग आपको प्यार करते, इतने सारे लोगों की दुआएं हैं. सब अच्छा ही होना था. सो प्राउड ऑफ यू मैम. अच्छा महिमा जी की ना बीच में कुछ फिल्में ऐसी आई जिसमें ये हीरो की लाइफ में तब आती हैं जब हीरो किसी और के साथ चोंच लड़ा रहा होता है. जैसे फिल्म दीवाने में अजय देवगन और उर्मिला की लाइफ में आ जाती हैं, दिल क्या करे में अजय और काजोल की लाइफ में आ जाती हैं, दिल है तुम्हारा में ये अर्जुन रामपाल प्रीति जिंटा की लाइफ में आ जाती हैं, धड़कन में सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी के बीच में आ जाती हैं. उन दिनों जब आपको कोई फिल्म ऑफर हो रही थी, आप स्क्रिप्ट सुनती थी तो खाली पूछती थी कि कौन दो लोग हैं जिनके बीच आना है. कुदरती ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे रोल आपने किए. नहीं, उनको लगता होगा कि ट्रबल मेकर कौन हो सकता है, तो इसलिए मुझे चुन के ले आते थे. ट्रबल मेकर नहीं, वो प्यारा फेस, अच्छी एक्टर चाहिए, तो इसलिए लेके आते थे. पर आपने जो भी, जैसे भी किरदार फिल्मों में किए, इतना मजा आता है देख के ना. हम वेट कर रहे हैं इमरजेंसी में भी आपको देखने के लिए. यस. मनीषा मैम के बारे में हमने सुना, ये पहले डॉक्टर बनना चाहती थी, तो क्यों नहीं आप बनी? मतलब आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी. हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी मेरे फैमिली में. जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है उस वक्त जो भी इन्वायरमेंट रहता है वही सोच होती है ना. तो मेरी फैमिली में या तो पॉलिटिशियंस थे, या तो एकाध इंजीनियर थे, या तो ज़्यादातर डॉक्टर्स थे. तो मुझे लगा कि हाँ, मैं बड़े होकर डॉक्टर ही बनूंगी. कोई एक्टर नहीं था आपकी फैमिली में पहले ना? नहीं. वाओ, ब्यूटीफुल. महिमा, ऐसा होता ना, हम लोग बचपन बड़ी सारी चीज़ें सोचते हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि मैं भी डॉक्टर बनूंगी. धीरे धीरे हमें कोई बहुत पसंद आता है अपने फैमिली में, कजन्स में, कोई अच्छा कर रहा है, अच्छा ये पायलट है, हम पायलट बनेंगे. आपके मन में भी ऐसा कुछ था कि आप शुरू से एक्टर ही बनना चाहती थी? नहीं नहीं, एक्टर तो बिल्कुल नहीं. हमारे भी दूर दूर तक कोई एक्टिंग, मतलब दार्जिलिंग माउंटेन्स में आप कैसे सोच सकते हो. तो मैं भी यही सोचती थी, पायलट से मिलती थी तो पायलट, किसी एयरफोर्स पर्सन से तो आई यूज टू थिंक आई विल जॉइन द एयरफोर्स या आई विल जॉइन द आर्मी, बिकॉज वहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स, टी प्लांटर्स यही मिलते हैं. तो जब मैंने पहला कमर्शियल किया और उसके बाद फिल्म्स, तो माय फादर वाज लाइक नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना, दिस इज अनसर्टेन है, और तुम गुड स्टूडेंट हो तो प्लीज यूनिवर्सिटी टॉप करो और आईएएस बनो. मेरे फादर तो रिकॉग्नाइज भी नहीं करते थे. लॉट ऑफ टाइम्स उनके असिस्टेंट्स ना मेरे जो एड्स आते थे ज्वेलरी वगैरह के, दिस इज सर अच्छा एड है ना, माय डैड यूज्ड टू से हाँ अच्छा है, कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया. बाद में मेरी फिल्म परदेश रिलीज हुई, उसके बाद और फिल्में आती थी, मैं कहती थी पापा आपने मेरा नया गाना देखा? हाँ देखा तो था, आज आया था वो रेड साड़ी पे ना डांस कर रही हो. पापा दैट्स नॉट मी, दैट्स जूही चावला. हाँ हाँ देखा तो था. उनको मेरे में और दूसरी एक्ट्रेस में कोई डिफरेंस नहीं नजर आता आज तक. इफ आई से मैं कपिल शर्मा शो में आ रही हूँ, वो किसी और को देख के बोलेंगे हाँ देख लिया एपिसोड तुम्हारा. उनको सिर्फ क्रिकेट समझ में आता है. एक्चुअली पापा ऐसे होते हैं, क्रिकेट देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं. यस. अच्छा आपने इतने सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, मैं कुछ आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ. आपके फैंस जानना चाहते हैं कि कौन आपका को स्टार, कौन सबसे ज्यादा शरारती रहा है? सुनील शेट्टी. सुनील, सैफ, अजय, अक्षय आल्सो. वो तो बहुत ज्यादा शरारती. अजय सर प्रैंकस्टर है, मतलब थोड़ा चुपचाप से शरारत करने वाले वैसे है. ओके, सबसे ज्यादा स्टाइलिश कौन रहा है आपका को स्टार? जैकी श्रॉफ. जैकी, हाय हाय, एक्चुअली जैकी, अनडाउटेडली इवन संजू. संजू, यार कौन हीरो सबसे ज्यादा फ्लर्ट करता था आपसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. आई थिंक वी ऑल वर वेरी प्रोफेशनल एंड वी ऑल वर लाइक, जब कैमरा ऑन होता है तो वी ऑल वुड, इफ रिक्वायर्ड वी वुड फ्लर्ट, बट आफ्टर कैमरास कट
We all were friends and colleagues and it was different environment. ये तो हो गया आप लड़कियों का। मैं बताता हूँ, I'm a representative. Yes, yes. मानता कोई नहीं है, अंदर से सब करना चाहते हैं। मैं बोल देता हूँ, मैं बदनाम हो गया हूँ। नहीं तो वो जो देखो अंकल आपके आप ही को देख रहे हैं अर्चना जी कब से? जो एक रोज छोड़ के आपके पीछे है। आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? अरे वो महिमा और मनीषा को देख रहे हैं, मुझे अरे तो उनको ऐसे देखेंगे ना, ऐसे क्यों देखता है? आपको देख रहे हैं। I think थोड़ा बहुत फ्लर्ट तो सारे एक्टर्स करते हैं अपनी फीमेल। आपने इतने सारे स्टार्स के साथ काम किया है, आप कौन फ्लर्ट करता था आपके साथ? सभी। एक से तो आपने शादी भी कर ली ना। उसने फ्लर्ट नहीं किया मेरे साथ। तू किसके साथ फ्लर्ट करता है? जो सैटरडे संडे को यहाँ पर इस काउच पर बैठता है सबके साथ फ्लर्ट करता है। भाई अरे पूरी दुनिया साक्षी है। हाँ, यू आर सो ब्यूटीफुल, आपकी गाल चमकती है, आपका चेहरा तीखा है, यू आर लुकिंग सो, आप बहुत प्यारी लगती हो। तो स्टेटमेंट जो खूबसूरत लगता है उसको बोलता हर हफ्ते। पिछले हफ्ते तो मनोज तिवारी आए थे, उनके साथ थोड़ी मैं फ्लर्ट करूंगा। मतलब कोई बड़ा खूबसूरत लगे आपको, प्यारा लगे, तो उसकी तारीफ करना गलत है? बिल्कुल नहीं। ये बुआ जी जलसी बड़ा करती है मेरे से। और फिर कभी कभी वो उसको भैया बोलते थे, देनी गोज लाइक ही वांट्स टू। तो जो बोलती है उनको अपने आप भगवान देखेगा। मैं अच्छा रोमांटिक सीन करते हुए कौन सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल रहता था? मुझे नहीं लगा कोई। आई थिंक वी ऑल आर प्रोफेशनल एक्टर्स एंड ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैम जैसे मैं अपने शो में जितना मर्जी बोल दूं किसी हीरोइन को जो भी, मतलब लेकिन मैंने फिल्में की हैं दो तीन, मतलब मैं यही बोलने वाली थी, मेरे से होता नहीं है ये, बहुत अनकंफर्टेबल होता है रोमांटिक सीन। नहीं नहीं बहुत, मैंने तो सलमान को भी अनकंफर्टेबल देखा है, संजय दत्त को भी अनकंफर्टेबल देखा है, सनी देओल आल्सो वेरी अनकंफर्टेबल। सनी भाई तो हो जाते हैं, सनी इज वेरी अनकंफर्टेबल, उनको अनकंफर्टेबल देख के आई बिकम अनकंफर्टेबल, यू नो, इवन व्हाइल डूइंग सॉन्ग्स एंड ऑल। बट अ लॉट ऑफ टाइम बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं, मेल एक्टर्स, जो अगर कोई फिजिकल सीन होता है वेयर दे हैव टू होल्ड यू एंड समथिंग, फिर उसके बाद वो अपोलोजाइज भी करते हैं, आई एम सो सॉरी एंड यू नो दैट आई हैड करना होता है। तभी तो तूने फिल्में ज्वाइन की है। अभी भी जब ज़िगाटो की शूटिंग थी ना, पहला ही सीन हमारा कि हम बैठ के गले में हाथ डालना है, तो मैं पहली बार मिला हूं, मैं वो तो फिर तीन चार रीटेक, चलो ये शुक्र है कि रीटेक होते हैं। अच्छा, आई थिंक शी वांटेड टू टेस्ट यू। उनको मेरे पे बहुत भरोसा था। एक्टिंग कर सकता है कि मैंने पहले पहले एक्टिंग की मैं घबरा रहा हूं, दूसरे मतलब मैं सबसे ज्यादा केयरिंग को स्टार कौन सा रहा है आपका? आई थिंक जैकी। Jackie is extremely caring and very concerned. Yeah, concerned. He takes care of all the. Yeah. ये भी मर्दों का तरीका होता है एक फ्लर्ट करने का। मैं आपसे बता रहा हूँ आपको। बहुत ज़्यादा caring हो ना? Mine was Ajay Devgan. Even Shah. Because he was the producer of the film when I had the accident, and he took me to the right person. You know, otherwise, कोई और producer during our times, they would have just said जाओ and all that. मैं तो किसी से भी सिलवा लेती अपने, you know, थोबड़े को, but he. Said that you have to go to a plastic surgeon. Ajay, na? हाँ, because he was the producer. चोट लगी थी आपको? हाँ, पूरा कार का जो ग्लास था वो फेस पे घुस गया था। Yeah, that was a terrible accident. Yeah. जो हाँ ना? वो आपको चोट लगी इसलिए किया था, राजपाल यादव को लगी उधर उधर छोड़ देते। No, I think most of the actors are very this thing responsible towards. Sunil Shetty is so sweet and so kind. वो बच्चों के लिए तो उनका मतलब specially his heart is very big. But I remember एक event कर रही थी मैं जहाँ पर मैं anchor कर रही थी दिल्ली में और वो crowd बहुत ज़्यादा rowdy होने लगा था और वो exit कर रहा था Sunil. उसने बोला आई वो कैसे यार मौके योगो को. He said no. He left his three security guards with me. I said, Sunil, तुम जाओ उनके नहीं। बाद में उनको पता चला कि आप खुद as a security officer गई थी। I was waiting. कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब मौसम बिगड़ने वाला। मौसम नहीं, मूड बिगड़ने वाला है हमारा। ये मेरा दोस्त है, शाहरुख खान साहब के यहाँ वॉचमैन रहा है। तो दूर दूर से जितना सीख पाया उतना करके दिखा रहा है। बाहर जा पीछे पेस्ट कंट्रोल वाला रमेश है, उसको मिल मेरा नाम लेना। क्यों कपिल? क्योंकि मैं इसको इतने साल से जानता हूँ, ये ऐसा इंसान है नहीं, कोई अंदर कीड़ा है जो इससे करवा रहा है। क्यों करता है ये सब कुछ? इतनी मेहनत करके मैं इतना कुछ बन के आया हूँ, इतना अच्छा कर रहा था, लोग तालियां बजा रहे हैं। और मनीषा जी को तो एक बार देख के अपनी फिल्म दिल से याद आ गई हो गई। हाँ, बिल्कुल। उनका तो पता नहीं मुझे दिल से याद आई कि नहीं, महिमा को दाग जरूर याद आ गई तेरा मुंह देख के। आई इग्नोर यू, हाँ आई इग्नोर यू। हाय हाय गंगा,
गंगा, मुझे देखकर कहीं तुम प्रदेश के टाइम में तो नहीं चली गई थी? तू दो मिनट तूने और शाहरुख खान किया ना, ये यहां से भी चली जाएंगी। गंगा सागर को छोड़ के नहीं जा सकती। हाँ, गंगा की हिफाजत करना अगर प्यार है तो है, है प्यार। और गंगा, मैंने तुम्हें कभी भी अपने लिए हासिल करने की कोशिश नहीं की, ना ही आज करूंगा। हाँ, ओए साइबेरियन चुड़ैल। और तुम एक बार बताओ, साइबेरियन चुड़ैल तुमने कहाँ देखी? मैंने देखी, अभी देखी मैंने, नाचते हुए आई है। क्यों ये थे? एक तो तूने प्रोडक्शन वालों को 25 रुपए का चश्मा फेंका तूने। वो तुझे बाहर अलग से पीटेंगे। ये कर क्या क्या जरूरत है तुझे? मतलब और कोई दीवाना का डर का डायलॉग याद हो जो तुझे कीड़ा हो, बोल, मैं साथ में कटवा दूंगा। बोल बोल ले भाई, बोल ले। यार एक ही तो तेरा आर्टिस्ट है जो हर एपिसोड में ना कुछ बन के आता है। हाँ। वरना बाकी आपने देखे हैं सेम एक ही करेक्टर। तू एक ढंग से कर लेना, तुझे अलग अलग बनने की जरूरत ना पड़े। पता नहीं क्या आता है दिमाग में। मैम इसको इग्नोर कीजिए। पता क्या है, जहां पे भी ये दो खूबसूरत लड़कियां देख लेना, बस अपने दोस्त का मजाक उड़ाना शुरू। सिर्फ आप क्या उड़ाऊं, इसने कॉलेज के टाइम से ऐसी हरकतें की ना, पूरे कॉलेज में बातें होती थी। वो लड़का नहीं आया जो जींस के नीचे लड़कियों वाली लेगिंग्स पहनता है ये। मैं थिएटर करता था, उस वक्त मैं लड़की का रोल कर रहा था। अच्छा, लड़की तो बड़ी अच्छी बनता है पता है। लड़की की आवाज निकाल निकाल के 6 महीने अपने जीजा से रिचार्ज कराता था। हाँ, इसकी प्लानिंग थी 1 साल और कराऊंगा। वो तो फिर इसके जीजा ने इसकी बहन को इग्नोर करना शुरू कर दिया ना, जब फिर इसने कट ऑफ कर दिया। और अर्चना चिढ़ता पता क्यों है? क्योंकि 3 महीने इसने भी रिचार्ज कराया था मेरा। मेरी शादी नहीं हुई थी उस टाइम। अच्छा आती आती अच्छा आधी आधी रात को इसके मैसेज आते थे। हाँ। मेरे बाबू ने थाना थाया। उस दिन मुझे पता चला कि लड़की को देख के ना ये चैट में भी तोतला हो जाता है। बोले बोले मेरे नाम पे तो शो है, तू तो बोल दो चल रही है। एक्चुअली कुछ नहीं है, इसको मेरा फोमो है। अच्छा, ओए चोमो। तूने मोमोस कभी खाए नहीं? फोमो क्या आता है? नए नए वर्ड सीख के आ जाता है। मैं इसको इंग्लिश में आती है नहीं, उस दिन पता नहीं कहां से चाय लाते सीख के आ गया। घर जाके था चाय नहीं, आज मेरी लाते लाते लेके आओ। कहते बाहर भी तू लाते खा के आता है, घर पे भी लाते, कुछ और खा ले। यार तुम्हें मेरे घर के बारे में इतना पता है, मेरे घर में क्या सिलेंडर छोड़ने जाते हो तुम? सिलेंडर उनके घर में होता है जिनके घर में खाना बनता है। इनके रिलेशन बड़े अच्छे पड़ोसियों से, कभी ये उनके घर चला जाता है, कभी वो इनको आके खाना दे जाते हैं। ये है इनका मांगने के तरीके, इसके अलग अलग है आपको पता है। एक बार वो गन्ने का जूस नहीं बेचते जो? हाँ। उन्होंने जाकर कहता एक मिक्स जूस बना दो। कहता सर मिक्स जूस नहीं है, गन्ने का एक ही तरह का जूस बना दे। कहता नहीं नहीं ये जो खाली गिलास पड़े ना सब में थोड़ा थोड़ा बचा है, कंपाइल करके मेरे को एक गिलास दे दो। आपको मैं हरकते नहीं बता सकता, इसके परदादा जी की डेथ हुई 130 साल की उम्र में। हाँ। इतने कंजूस इन लोगों ने खीर पूड़ी नहीं बनाई, कागज पे खीर पूड़ी लिख के ना ऐसे रख दिया। कहता कौए कौन सा पता चलना है। फिर जो कौए थे ना उन्होंने अपने हेड को फोन किया साइबेरिया, उनका सीईओ आया कौओं का। हाँ। उड़ के आया इसके पास, इसको कहता इधर आ। तो ये गया कहता देख तुम्हारा परदादा पहली बार मरा है। हाँ। हम दिन में 6 फंक्शन अटेंड करते हैं, करते फिर कभी खा लेंगे जब पैसे होंगे, ऐसे झूठ नहीं लिखना कहता। अब मजाक नहीं कर रहा, इसके मुंह पे चोंच मार के गया, चोंच मार के गया। और जितना अच्छा इसने किया आप समझ सकते हो साइबेरिया का सीईओ था कौन। यार तेरे को मैं एक बात सुन, मेरी बात सुन, पता क्या है, वो मेरा ना कॉलेज टाइम का क्रश है। कौन? दोनों। वो कॉलेज तू कभी गया नहीं, तू दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ता रहा। एक्सक्यूज मी, जब तक बैठने के लिए निकाल रहा चुपचाप खड़े रहो, ये शो चल रहा है तुम्हारे पिताजी का घर। थैंक यू वेरी मच। इसने खुद को अमिताभ बच्चन मान के मुझे प्राण साहब तो बनाया। मैं सच्ची बता रहा हूँ, दिल से मैं इतना बड़ा फैन हूं कि इलू इलू आपसे सीखा, उल्लू उल्लू इससे सीखा। आपकी यलगार फिल्म जब मैंने देखी ना मैं, ये तो है, इसलिए बात तो माननी, बड़ा फैन है ये। मैं जब यलगार आई ना तो करवा चौथ का दिन था, उस दिन तो औरतों ने करवा चौथ रखा था, उन्होंने वीसीआर लगवाया था, सिर्फ लेडीज अलाउड थी। इसने डैडी की सलवार पहन के यलगार देखी है, सीरियसली। नहीं तो मम्मी की सलवार थी, ऐसे झूठ। अबे मैंने तो तेरे डैडी को पहने देखा हमेशा। आपको पता इसके पिताजी स्वागत वाले दिन इसकी माँ को कहते देख अभी अभी हमने कसमें खाई हैं कि जिंदगी मिलजुल के कांटे के। कहती हाँ, तो कहता मैं तेरी सलवार पहन लूँ? वो कहती बड़ा अजीब परिवार है, अभी आपके पिताजी आए थे मेरा पेटीकोट मांग के गए।
पर ये बड़ा जेन्युइनली फैन है ये. नहीं नहीं पर मैं सच्ची बता रहा हूँ, जो उसमें विक्की मल्होत्रा थे, मैं अभी तक याद है नाम. आप जैसे मुझे लगा कि अरे मनीषा ये तो विक्की मल्होत्रा से प्यार करती हैं, मैंने अपना नाम बदल के विक्की मल्होत्रा रख लिया था. हाँ, उसके बाद कुछ लोग आए जिनका विक्की था विक्की ले गए, जिनका मल्होत्रा था मल्होत्रा ले गए. बाकी बचा राजू. यार थोड़ी देर तो प्लीज इसको छील बैठ के, तेरा टाइम पास हो. केले खाने वाले आदमी, ये छीला नहीं जाता. हाँ. इसको कुछ किया जाता है. अब आपको पता चल गया होगा कि हम एक ही स्कूल से पढ़े हुए हैं, क्योंकि पता दोनों को नहीं है क्या है. परदेश में जब आप लॉन्च हुए थे ना. हाँ. परदेश देखने के लिए मैंने बड़ी मेहनत की थी. मेहनत तो इसने की है बेचारे ने. आपको पता नॉर्थ में सर्दी कैसी भयंकर पड़ती है. निक्कर इसकी फटी हुई और उन्होंने जमीन पे बिठा दिया. सीरियसली शाहरुख खान तो कह रहे थे गंगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये बैठा बैठा करिए. और वो फर्श भी जो था ना जिसमें बैठा हुआ, निक्कर इसकी फटी हुई, फर्श भी प्लेन नहीं था. पहले जमाने में लोग चिड़िया विड़िया बना लेते थे ना. वो चिड़िया बनी हुई थी फर्श पे, वो इसके छप गई इधर. जहां पे इसकी निक्कर में छेद था वहीं चिड़िया छपी. ठंड इतनी थी चिड़िया भी सिकुड़ गई. अच्छा बाद में चिड़िया मिली नहीं आज तक, उड़ती भी नहीं किसी ने देखी, पता नहीं कहां गई. ये बड़ी मेहनत की इसने फिल्में देखने के लिए. मैं आपकी वजह से सच्ची में पहली बार वीजा लगवाने गया था कि परदेश जाऊंगा तो शायद आप मिल जाए. सीरियसली. और जिस दिन वीजा लगवाने गया था पासपोर्ट ऑफिसर ने कहा ये आप है, कहता हाँ, कहता चल. नहीं नहीं ये नहीं हुआ था, ये नहीं था, सॉरी, ये मैंने ऐसे मजाक नहीं बोला. उन्होंने बोला कि आप पहली बार वीजा लेने आए, कहता आपको कैसे पता, कहता राशन कार्ड लेके कौन आता है. अच्छा ये भी वीजा लेने गए थे. हाँ. अर्चना जी अमेरिका का. हाँ. बाकी आपको पता ये किसको मिला और किसको नहीं मिला? मेरे पास है. I have 10 year visa. You have 10 year visa. महिमा जी आपको बता दें ये आपका सच में बड़ा फैन है, ये भी फैन है. अपनी गर्लफ्रेंड का नाम इसने महिमा चौधरी रख लिया. हाँ. हालांकि शक्ल उसकी चंद्रचूड़ जैसी थी. इसकी गर्लफ्रेंड तो मैं बता ही नहीं सकता कैसी है. सीरियसली नाक बहरी. कपिल शर्मा ये जो आपका तेरे को शाहरुख भाई ने वो बुलाया, इनविटेशन आया कि नहीं? नहीं किस बात. अरे उन्होंने बुलाया, जितने भी उनकी गंदी मिमिक्री करते ना उनको बुला के वो चॉकलेट वाला जहर पिला रहे हैं. मैंने देखा चॉकलेट वाला कोई जहर नहीं होता, मैंने बड़ी मिमिक्री की है. ऐसे झूठ बोल रहा. बाहर मुझे अभी अजय देवगन साहब मिले थे. Okay. मेरे को देख के इतने इंप्रेस हुए, मुझे देख के पठान की बधाई दे रहे थे, कहते तुम्हारी कलेक्शन बड़ी अच्छी आ रही है. जैसा तू शाहरुख खान वैसा फिर अजय देवगन मिला होगा तुझे. कच्चे धागे की शूटिंग के वक्त हमारी कितनी अच्छी दोस्ती हो गई थी, उसके बाद तू मुझे भूल गई. और बिल्कुल वैसे भूली जैसे जूस निकालने के बाद कोई कोई गंदे को भूल जाता है. अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, तुम्हारी दृश्यम की कलेक्शन तो खत्म हो गई होगी. हाँ अपनी मशीन मुझे दे दो, क्योंकि मेरी पठान की कलेक्शन अभी बाकी है मेरे दोस्त. हाँ एक बात कहूँ पाजी, वो तो ओरिजिनल वाले को लगेगी. तुम अपना सोचो कि काले खट्टे का ठेला तुम कहाँ पे लगाओगे, बैग स्टैंड पे लगाओगे या फिर जूहू चौपाटी. जब मैं तुम्हें असली अजय समझ के ट्रीट कर रहा हूँ तो तुम मुझे असली क्यों नहीं समझ रहे. हाँ वैसे एक बात कहूँ पाजी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हें कुछ तो समझ रहा हूँ, वो तुम्हें कुछ नहीं समझता. कसम से जब से ये अजय देवगन आया ना मुझे शाहरुख अच्छा लगने लग गया. और बुला अपने बहरूपीय दोस्तों को बुला. और प्लीज प्लीज ऐसा मत कहो. क्यों बहरूपीय नहीं है तू? इसका दोस्त नहीं हूं. क्योंकि बहरूपिया में तो फिर भी रुपया है. आया हाय. इसके दोस्ती में सिर्फ गरीबी ही गरीबी है. सिर्फ गरीबी. मनीषा जी यहाँ आके रू 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 कर रहा है, बाहर मेरे पैरों में री 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 कर रहा है. एक बार अंदर रह जाके मनीषा जी से मिला दो, महिमा जी से मिला दो. हाँ री 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 एक मिनट. तो तुम कौन सा मुफ्त में लेके आए हो? इसने भी मुझे यहाँ पे लाने के लिए चाय और मट्ठी मांगी थी, मैंने खिलाई इसको. इतनी सी मट्ठी के लिए तूने ये काम भी करना शुरू कर दिया? अम्मी जान कहा करती थी कोई भी मट्ठी छोटी नहीं होती. हाँ और छोटी से बड़ी कोई मट्ठी नहीं होती. हाँ
लेकिन तुम मुझे बचाओ जो तुमने दिल से में किया था। बड़ी बड़ी फिल्मों में छोटी मोटी इंगड़ बुंगड़ चुंगड़ी बुंगड़ होती रहती है, होती रहती है। और ये तुम मेरी इंगड़ बुंगड़ चेक मत करो, अपना अजय चेक करो, क्योंकि सबको पता चल गया है कि तुम नकली हो। यार मैं पहले से इसको बोल रहा था मुझे ऐसे मत बना, क्योंकि मैं तो आमिर खान प्रैक्टिस करके आया था। ओ त्री मनीषा कैसी है यार? ओ यार कमाल हो गया यार। अरे नशा ये प्यार का नशा है, मेरी बात यारो मानो, नशे में यार डूब जाओ, रहे ना होश में दीवानो। अरे सिर्फ इतना ही नहीं, मैं शाहरुख खान भी कर सकता हूँ। दो दिल मिल रहे हैं मगर मगर छुपके छुपके या 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 शाहरुख नहीं, हाँ शाहरुख नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हारे अजय में नहीं घुसा, मैं तुम्हारे आमिर में नहीं घुसा, मेरे शाहरुख में नहीं घुसोगे तो मदन चोपड़ा। एक सेकंड शाहरुख नहीं, हाँ तुम नहीं घुस सकते क्योंकि तुम घुस ही नहीं सकते। जो आता है उतना तो ठीक से कर लो। बाहर एक गाड़ी घूम रही है जो गंदी मिमिक्री करने वालों को उठा रहे हैं। अच्छा हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं ना मैम, कितने सारे आपके फैंस होते हैं जो आपके लिए अच्छा अच्छा लिखते हैं, कमेंट्स करते हैं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, प्लीज हैव अ लुक। ये फोटो मनीषा जी ने डाला है, व्हेन वन इज ब्लेस्ड विद काइंड एंड लविंग सोल्स जॉय ऑफ लिविंग इज डबल्ड। ए पिकनिक ऑन ए बैक ऑफ अ पिकअप ट्रक। वाओ बहुत अच्छी पिक्चर है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। I'm sure you've not read it also. No. आपकी पिकनिक तो ठीक है, देखना कहीं शेर चीते भी पिकनिक पे ना निकले हों। लड़कियों का ठीक है, कितनी तमीज से खाने पीने की चीजें रखी हैं। लड़के होते तो पीछे सिर्फ बोतलें ही बोतलें होती। जब जंगल सफारी में शेर ना दिखे तो लोग ऐसे ही नूडल खा के वापिस आ जाते हैं। और दिखाइए, आप तो अच्छे से तैयारी करके गई हो, हम तो एक ही न्यूज़पेपर में पूड़ी और अचार बांध के निकल लेते हैं। मनीषा जी कितनी समझदार हैं, गाड़ी साइड में लगा के पिकनिक बना रही हैं। हमारे तो घर में मुंडन भी हो तो पूरी सड़क रोक लेते हैं। ये उन लोगों के लिए सीख है कि अपने फंक्शन के लिए दूसरों का मजा ना खराब करें। Exactly. आगे और दिखाइए, महिमा जी ने फोटो डाला है। वाओ, आप क्या कर रही हैं शेफ के कपड़े पहन के? कुकिंग अप अ स्टॉर्म। कुकिंग क्या करनी, पानी पूरी का लगाया हुआ स्टॉल आपने? करके नहीं थी, खाने गई थी या क्या करने गई थी? खाने गई थी। अच्छा, मैंने कल ही खाई अभी पानी पूरी 4-5। हाय लवली, 1.5 किलो चने खा गई आप सुबह से जब से काम शुरू हुआ। अभी भी आप पानी पूरी की जगह है आपके पास? जब भी चाट का मेंशन होता है ना, आई फील बस आई वांट। मेरे घर के बिल्कुल नीचे है, मड आइलैंड भेज दे उसे। हमारे मड आइलैंड में चाट नहीं मिलती तो घर में ही बनानी पड़ती है। तो आप जो लाइव झींगे पकड़ती हो समंदर से, वो भी तो है। ये मड आइलैंड में रहती ना, आपको बताया ना, बड़ा खर्चा बचाती, गाड़ी नहीं लेके आती। हा? दो छोटे मगरमच्छ पाल रखे इन्होंने। वैसे really? हाँ फ्रिज में रख देती है सुबह। सीरियसली, रात को फ्रिज में रख देती है उनको गीला करके, ताकि उनको लगे कि हम पानी में हैं। सुबह निकाल के ना समंदर में रख के, एक पैर एक पे एक उस पे रख के ना, मिट्टू और कीकी नाम रखा है इन्होंने। हाँ सीरियसली, और दोनों के मुंह में ना रस्सी एक डाल देती है, मुंह से पकड़ के चल के आते हैं और ये खड़े होके अजय देवगन की तरह आती हैं शूटिंग पे। बहुत फायदा उठाती हैं। दाद देनी पड़ेगी आपकी इमेजिनेशन। बिल्कुल मैं यही बोलती हूं उसको। वो भालू तो बड़ा हो गया होगा जो आपने पकड़ा था। वो आजकल डायरेक्ट कर रहा है, फिल्में डायरेक्ट कर रहा है। आइए कमेंट्स पढ़ते हैं नीचे। मास्क वाला सबसे ज्यादा दुखी है, ना मुंह दिख रहा है, ना सर दिख रहा है, और ना ही महिमा ठीक से दिख रही है। इनमें से कोई एक इस रेस्टोरेंट का ओनर भी होगा, महिमा जी आए इसलिए बावर्ची बना हुआ है। सब शेफ्स मिलके भी इनके हिसाब का तीखा गोलगप्पा नहीं बना पा रहे थे, इसलिए ये खुद ही बनाने आ गई। और दिखाइए, ऐसे रेस्टोरेंट में इसलिए गोलगप्पे इतने महंगे होते हैं, एक गोलगप्पा खिलाने के लिए इन्होंने 8 लोग रखे हैं। किसी ने रिप्लाई किया, नहीं भाई वैसे तो यहाँ एक ही बंदा पानीपुरी खिलाता है,
महिमा को देखकर डोसा और सैंडविच वाले भी आ गए। और दिखाइए। Oh nice. मनीषा जी ने फोटो डाला है। Some of the interesting shots during our shoot. ये कहाँ कौन सी शूटिंग की फोटो मैम? This was we were doing some sort of a documentary and we were looking at the valley below. मैं if you can see my body language, I was little nervous looking at the. खाई में क्यों झांक रहे हो आप? क्योंकि व्यू बहुत अच्छा था और फोटो उस एंगल से अच्छा दिख रहा था। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लगता है इनकी यूनिट का एक बंदा मिसिंग है। खाई में ढूंढ रही है। ये दोनों सोच रहे हैं कि गूगल मैप ने यहाँ से जो लेफ्ट लेने बोला था वो ले या ना ले। वैसे तो एम्बुलेंस वाले को जल्दी रहती है लेकिन आज मनीषा जी को देख के रुका हुआ है। अच्छा पीछे एम्बुलेंस देखो, दो को लोग डिटेलिंग में जाते हैं पूरा। टोपी वाले भाई साहब कह रहे हैं कल रात यहाँ मेरे 10 रुपए गिरे थे, अगर तुमने ढूंढ लिए तो 5 रुपए तुम्हारे। और दिखाइए। अप इन द एयर सुपर फिट सुनील शेट्टी फ्लेक्सिंग हिज मसल्स फोर्सिंग मी टू हाइड माइंड। आइए तो कमेंट्स देखते हैं। पीछे वाला बता रहा है सीट तो मेरी आई थी इनके बगल में, सुनील शेट्टी ने उठा दिया। आदमी का ऐसा ही है, खुद भले ही ठंड में अकड़ जाए सुंदर लड़की को जैकेट दे देता है। ये उन्होंने दी आपको जैकेट क्या? आपकी है? So good. I think मेरी ही है। ये उन्हीं की जैकेट है, कृपया इल्जाम ना लगाएं। हाँ जी और दिखाइए। आप सेकंड सीटिंग की जगह थर्ड एसी टिकट करवाते तो आपको कंबल भी मिलता। किसी ने रिप्लाई किया तुम भी अगर स्मार्टफोन की जगह लैंडलाइन लगवा लेते तो ये दुनिया तुम्हारे ज्ञान से बच जाती। ऐसी खूबसूरत लड़की बाजू में बैठे तो बंदा लैंडिंग के बाद भी सीट बेल्ट नहीं खोलता। कटु सत्य। और दिखाइए। मनीषा जी ने फोटो डाला, माय लास्ट सैटरडे रूटीन मॉर्निंग वाइब्स विल मिस बास्केटबॉल। वाओ। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। पीछे लड़के सोच रहे हैं मैडम आपका फोटो सेशन खत्म हो गया तो हमारी बॉल वापस कर दो। गुड वन। लड़कियां खेलते हुए भी मैचिंग का ध्यान रखती हैं, लोअर से मैच करती हुई कैप और शूज से मैच करती हुई जैकेट। Absolutely. लड़के तो कुछ भी पहन लेते हैं, बात तो सच्ची है। Absolutely, come on. मैडम सेम पिंच, आप आज कोर्ट गई थी मैं भी आज कोर्ट गया था, मेरी आज पेशी थी। और दिखाइए आगे। अरे मैडम आप तो रॉयल फैमिली से हैं, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं, आपकी बॉल तो कोई भी बास्केट में डाल देगा। और दिखाइए। महिमा जी ने फोटो डाला है बुल के साथ। लवली पिक्चर। ये कहाँ का फोटो है और क्या सोच के आपने फोटो खिंचाई? ये रायपुर में एक बहुत खूबसूरत होटल है, मुझे ये बुल बड़ा प्यारा लगा ना, थॉट्स मैचिंग माय ड्रेस। That's more important, matching the absolutely, absolutely. आइए देखते हैं कमेंट्स देखते हैं नीचे। मैडम इतनी क्या जल्दी थी फोटो खिंचवाने की, उस बैल को फेस पैक तो हटा लेने देते। बैल ने फेस पैक लगाया बेचारे। टू गुड। इनको घर वालों ने बोला था घर के दरवाजे के लिए बैल ले आना, ये बैल ले आई। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। किसी ने लिखा एक बुल साथ में बुलबुल और मैं चुलबुल, कुछ बात बन सकती है। उसको किसी ने रिप्लाई किया अकल बकल सकल, देख अपनी शकल चल चल निकल। लड़के और बैल एक जैसे होते हैं, इन्हें लड़कियां ही काबू कर सकती हैं। यस। परम सत्य जी। और दिखाइए खत्म। अच्छा ऐसा कहा जाता है ना कई लोगों का कंट्रोल नहीं होता किसी चीजों पे, किसी का गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, किसी का खाने पे नहीं है, किसी का प्यार पे नहीं है, हर हफ्ते हो जाता है। इसको he's showing himself. तो किसी का हंसने पे कंट्रोल नहीं है। आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कोई आप में से ऐसा है जिसका अपने किसी चीज पे कंट्रोल ना हो और क्यों नहीं है वो मैं जानना चाहता हूँ। हेलो जी आपकी नई शादी हुई है? हाँ जी। मुबारक हो बहुत ज्यादा। पहाड़ों पे जाओ कहीं, कहाँ आए हुए हो? फिल्म सिटी घूम के आ गए अभी आपके शो को देखने। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता है बिल्कुल। अच्छा जी तो शादी हुए कितना टाइम हुआ? अभी 3-4 महीने ही हुए। पति कहाँ है आपके? पास में ही बैठे हुए, पिटे हुए लग रहे हैं और बैठे हुए। वैसे तो हमारी लव मैरिज है। अच्छा तो मिले कैसे फिर आप? मतलब हम मिले थे सोशल मीडिया के थ्रू, फिर बातचीत हुई धीरे धीरे। आपने सोशल मीडिया को सीरियसली ले लिया?
लेकिन इसके हरकतों की वजह से ना इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्या ही बताऊं। हरकतों की वजह से? पति की हरकतों की वजह से? मतलब ना हर चीज भूलने की आदत है इसको। अगर ट्रेन किसी और स्टेशन में किसी और जगह भेज देते ऐसे, मतलब कुछ टाइम पहले ही हुआ था, महीने भर पहले, इसका घर का हाउस वार्मिंग था और इसका घर का मतलब अलग अलग रहते हैं? नहीं नहीं, मतलब घर नए घर में शिफ्ट करना था और मैं दिल्ली में रहती थी उस टाइम पे। अच्छा जी। तो मुझे जाना था अम्बाला, तो ट्रेन बुक किया इसने न्यू दिल्ली से और मैं ऑफिस से जल्दी जल्दी पहुंच गई 10 बजे के करीब, ट्रेन था और 9:30 बजे से मतलब मैं जाके इस वाले कॉल पे है, इस स्टेशन पे जाओ उस स्टेशन पे जाओ, हर स्टेशन मैंने घूम लिया। 10:30 बजे बोलता है, ट्रेन तो आपका ओल्ड दिल्ली से था। फिर आप सच्ची भूल जाते हैं, आप चाहते थे कि ये गुम हो जाए? आपकी इंटेंशन क्या थी भाई साहब? अभी भी सांस मुश्किल से आ रही ना। तो कितनी देर हुई आपकी शादी को? ये तो नई नई शादी में पहना जाता ना चूड़ा? दिसंबर में हुई है। दिसंबर में हुई है? ओहो हो, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। अभी तो बहुत। कैसे भूलते हैं आप ये सब चीजें? बस क्या करें, इनके रूल्स और रेगुलेशन ही इतने हैं घर पे, ये करो वो ना करो, ये ना करो, ये फलाना ढिमकाना, बंदा क्या क्या याद रखे। एक चीज याद रखता है दूसरा भूल जाता है, दूसरी याद रखे तीसरा भूल जाता है। चलिए, आपको हमारी संवेदना है, जितना कोशिश हो सके खुश रहे, कोई बात नहीं, जो हो गया ईश्वर के हाथ में सब। क्या बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। नमस्कार सर। सर मेरी एक चीज पे कंट्रोल नहीं हो पाता है। किस चीज पे? सर मैं जैसे पानी देख लेता हूँ ना, मेरा वॉशरूम प्रेशर बढ़ जाता है और मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ सर। पानी देख के मतलब? सड़क पे पड़ा हो पानी या कहीं पर भी? सॉलिड चीज देख के? नहीं 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 सर, पानी, सिर्फ पानी। What? सर इसलिए तो मैं पानी पी करने आया हूँ यहाँ पर, विदाउट पानी सच में जब से आया पानी। मुझे तो लग रहा आप नहा के भी नहीं है। नहीं नहा सर, पर सीरियसली सीरियसली सर। यार ये बड़ा अजीब किस्सा मैंने पहली बार सुना है। सच्ची में है कि टीवी पे आने का शौक है आपको? सच्ची में। आप करते क्या हो भाई साहब? सर मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। तो आप कॉल सेंटर में नौकरी छोड़ के कहीं सुलभ शौचालय में नौकरी? ओके शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया। यार आप लोग कहाँ से आए? आपने मेरी पुरानी वाली फोटो लगा दी, मेरी सेक्सी वाली नई वाली लगानी चाहिए थी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कहाँ से आए आप लोग? नासिक से आए सर। नासिक से? Yes, एक जैसी टी शर्ट मतलब आपने छपवाई है खुद ये? सर लोग ब्रांड लगाते हैं अपने कंपनी का, हमने आपको लगाया था, हमारे आप ब्रांड। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। और मैं आज सबके साथ कहना चाहता हूँ कि सर इस दुनिया के सबसे स्माइली डॉक्टर आप हो। शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए, थैंक यू। सर मेरे को भी एक समस्या है जो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, क्या बोलना है मेरे को? क्या सर? अभी मेरे को सबसे बड़ी समस्या है, मेरी बीवी मेरे कंट्रोल में नहीं, उसकी आदतें मेरे कंट्रोल में नहीं है सर। ये समस्या थोड़ी है सर, ये तो कंपलसरी चीज है इसका पर सर एक दिन तो मिलना चाहिए लाइफ में कि अपनी कंट्रोल पे रह सके उसकी आदतों को। आप वाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं ऐसा? उनकी आदतों को सर, उनको नहीं। हाँ कुछ भी कर लो मतलब, तो आप ऐसा सोचते हैं? यस सर। सोचो, सोचने में क्या है, सोच तो सकता ही आदमी। सर मैं जो भी बर्थडे के लिए ड्रेस लेके आता हूँ अगले दिन एक्सचेंज करा के लेके आती है। शादी को 11 साल हो गए सर, 2 बच्चे भी है, फिर भी वो कंट्रोल उसका ही है, मेरा उसको कोई कंट्रोल ही नहीं है सर। आपने भी तो कंट्रोल किया होता तो थोड़ी ना बच्चे होते मतलब देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक्चुअली लेडीज जो होती हैं उसमें एक्सपर्ट होती है, जैसे कि एग्जांपल बच्चों के कपड़ों yes. हमें नहीं पता चलता एक्चुअली। यस यस, मैं भी लेके आया कपड़े छोटे निकले हाँ, तो वो मेरे पे शक करने लगी, तू तीसरा तो नहीं सोच रहा? मैं कहा नहीं। तो ऐसा होता है, तो जिन चीजों में महिलाएं एक्सपर्ट हैं वो उनको करने दीजिए, बाकी चुप रहिए जितना हो सके। थैंक यू, थैंक यू ब्रदर फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर योर लव, शुक्रिया। दोस्तों मैं एक आप सबको बताया जाए कि हर एपिसोड में हम रियल हीरोज जो हैं उनको इनवाइट करते हैं जो हमारे देश के लिए हमारी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। आज हमारे बीच इम्पैक्ट फाउंडेशन टाटा मेमोरियल सेंटर से मिसिस शालिनी जाटिया मौजूद हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैम धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल के आप हमारे शो पे आईं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कैंसर से लड़ रहे लोगों की किस प्रकार से मदद करती हैं आप और आपका फाउंडेशन जो है। यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू कपिल जी, आई एम ऑनर्ड। और मैं टाटा मेमोरियल सेंटर में जो बच्चों का डिपार्टमेंट है वहाँ पे एक संस्था है इम्पैक्ट फाउंडेशन जी, तो मैं वहाँ की ऑफिसर इंचार्ज हूँ।
Okay. और टाटा मेमोरियल सेंटर में भारत के सभी प्रांत से बच्चे आते हैं इलाज के लिए जी। और एक साल में करीबन हमारे पास 4000 नए बच्चे आते हैं कैंसर के इलाज के लिए। इसमें 80% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके परिवार के पास कुछ पैसे नहीं होते इलाज के लिए, और टाटा मेमोरियल सेंटर और इम्पैक्ट फाउंडेशन इनके लिए पैसे जमा करता है और इनको समय पे सही इलाज देता है। जो बच्चों का कैंसर होता है वो बड़ों के कैंसर से कुछ अलग होता है। बच्चों का कैंसर अगर सही इलाज, सही ट्रीटमेंट दिया जाए सही वक्त पर, तो 70% बच्चे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और वो जाके अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। वाह। तो मैम, ऐसे इन केसेस में कुछ न्यू बॉर्न बेबीज भी होते हैं? जी, हमारे पास बहुत सारे बहुत छोटे बच्चे होते हैं। जो हमारा एज ग्रुप है पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट का, वो है 0 to 15। तो 3 दिन के 4 दिन के भी बहुत छोटे बच्चे हमारे पास इलाज के लिए आते हैं। पर खुशी की बात इसमें यह है कि बच्चे जब अपना इलाज लेते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, और ज़्यादातर बच्चे को पता भी नहीं होता कि वो क्यों आए हैं टाटा और उनका वहाँ पे इलाज किस लिए चल रहा है। आप अगर अस्पताल आके कभी भी किसी से पूछे कि वो यहाँ पे क्यों हैं, तो वो बोलेंगे कि मुझे कुछ बुखार आया है, बस उनको इतना ही पता होता है, और वो हंसते खेलते अपना पूरा इलाज ख़त्म कर देते हैं। मैम, आप और आपकी फाउंडेशन बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसा नेक काम को अंजाम दे रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पे आई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कपिल जी, थैंक यू। एक बार मनीषा जी और महिमा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आइए मैम, प्लीज। मनीषा जी, महिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पे आई। थैंक यू कपिल फॉर हैविंग अस। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया मैम। थैंक यू। जोरदार तालियां हो जाए, और आप सबके लिए भी। व्हाट अ वंडरफुल ब्यूटीफुल ऑडियंस, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और दोस्तों, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ ख्याल, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।